ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में, और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अभी तक सीएम साहब सुनने की नहीं पड़ी है आदत, कभी दूसरों के लिए किया करते थे इस शब्द का इस्तेमाल। शीतकालीन सत्र में हमीरपुर विधानसभा की समस्याओं को भी रखा जाएगा प्रमुख रूप से। हमीरपुर से रवाना होने से पहले बोले भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर। जिला कुल्लू में बेसहारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों पर प्रशासन करेगा सख्त कार्यवाही। टैटू के आधार पर उक्त पशुओं के मालिकों का पता करके उनके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्यवाही। और ठियोग में हुए बुरे कांड के बाद पुलिस कार्यप्रणाली से उठता जा रहा लोगों का विश्वास, लोग पुलिस को थोड़ी सी लापरवाही को अब झेलने को नहीं है तैयार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का मंडी जिला में पहली बार पधारने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उनका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। मंडी जिला के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है। मैं हरदीप सिंह, नामधारी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से देश व प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ ही नव वर्ष जो है वो देशवासियों और प्रदेशवासियों सबके लिए शुभ व मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। शिवपाल शर्मा, प्रधान सभ्यता जिला सेवा कमेटी जिला मंडी। मैं समस्त देवी देवताओं, कारदारों, भजंत्रियों, गुरु पुजारियों की तरफ से नए साल की मुबारक देता हूँ, और साथ ही मैं सब देवताओं की तरफ से, कारदारों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी अपना खुशी जाहिर करने के लिए भी और उनकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए भी बधाई देता हूँ। ठियोग में हुए गुड़िया कांड और दिल्ली के प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। यही कारण है कि दिसंबर में कसौली इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं के छात्र दीपेश की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत पर पुलिस की कार्यवाही से गांववासी और परिजन असंतुष्ट दिख रहे हैं, जिसके चलते वह जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला के पास इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। इस मौके पर गढ़खल गांव की प्रधान मधु शर्मा ने ठियोग मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि मामला कुछ और होता है और हकीकत कुछ और होती है। इस केस में भी उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें आस बंधी है कि उन्हें इंसाफ जल्द मिलेगा। लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उस स्थिति से भी निपटने को वह तैयार है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा शिक्षा में अव्वल रहता था और वह आत्महत्या नहीं कर सकता था, इसलिए वह चाहते हैं कि इस मामले में बिना किसी दबाव के पुलिस मामले की छानबीन करे और मौत के किन कारणों से हुई इसका खुलासा जल्द से जल्द कर सके। गुड़िया केस में पहले देखो क्या क्या हुआ, प्रद्युम्न केस में लास्ट में क्या होता है, तो ये लगा हमें कि शायद कर रही होगी शायद, पर हमें लगा है सभी को कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ से। ये पे हमें लग रहा था कि पुलिस चुपचाप बैठ गई है, ये मामला ऐसा नहीं है जो चुपचाप बैठे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये जो हुआ है, बहुत बड़ा हादसा समझो। जब तक इसका कुछ हो नहीं होता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, तो इनसे मिलके बहुत ही, और अब आशा बंदगी है सब लोगों की कि हमें न्याय मिलेगा जरूर, ये इसी आशा के साथ रहेंगे और रहेंगे भी। और हो गया है पक्का कि इनका जो बातचीत है एसपी साहब की बहुत ही मतलब। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शिक्षा क्षेत्र में अव्वल हमीरपुर अब सफाई के प्रति भी जागरूक होने लगा है। स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल कर शहरवासियों ने गंदगी की शिकायतें करना शुरू कर दी है। शहर की दो विभिन्न जगहों पर पसरी गंदगी की शिकायत लोगों ने स्वच्छता ऐप के माध्यम से नगर परिषद से की है। नगर परिषद ने भी ऐप पर गंदगी के फोटो मिलने और इसकी शिकायत आने पर इसका तुरंत निपटारा किया जा रहा है। इस पहल से शहर में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास रंग लाने लग गया है। ईओ विनोद ने बताया कि केंद्र के स्वच्छ भारत अभियान को जोर देते हुए यह ऐप लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ऐप की जानकारी के लिए जगह जगह पर बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का कदम सफल हो सके। गौरतलब है कि शहर में कई बार ऐसा होता है कि किसी स्थान पर कई दिनों से गंदगी पड़ी रहती है, इसकी कई बार शिकायत करने के उपरांत भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता।
इससे लोगों में नगर परिषद के प्रति रोष पनपने लगता है। लेकिन अब सफाई संबंधी कोई भी शिकायत इस स्वच्छता ऐप के माध्यम से की जा सकती है। ऐप के जरिए अपने क्षेत्र की सफाई संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका तुरंत प्रभाव से नगर परिषद समाधान करेगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशानुसार और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो है एक स्वच्छता ऐप जो है वो डाउनलोड करने के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। इसके लिए हमने बाजार में पंपलेट्स लीफलेट्स भी बंटवाए हैं और होर्डिंग भी लगवाए हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ है या कोई पशु मृत है या कोई शौचालय साफ नहीं है या कहीं सफाई नहीं हुई है या कोई डस्टबिन क्लियर नहीं हुआ तो उसको स्वच्छता ऐप पे डाउनलोड करके वो उसमें हमें कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका निवारण जो है हम उसी के जैसे ही हमें पता चलेगा हम भी ऐप में देखेंगे तो उसको निवारण के लिए हम अपनी टीम में भेजेंगे और उसकी सफाई करवाएंगे मौके पे। बता दें कि नगर परिषद सीमा के भीतर सफाई की समस्या को स्वच्छता ऐप के माध्यम से उक्त वाले स्थान का फोटो खिंचवाकर विभाग को शिकायत कर इसका समाधान पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी स्थित सीनियर सिटीजन होम में मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की सदर इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला प्रधान हरीश शर्मा ने मुख्य तौर पर शिरकत की। सदर इकाई के प्रधान रेवती शर्मा ने बताया कि मीटिंग में एसोसिएशन की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडी स्थित सीनियर सिटीजन होम में मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की सदर इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। सदर इकाई के प्रधान रेवती राम शर्मा ने बताया कि मासिक बैठक में जिला प्रधान हरीश शर्मा ने मुख्य रूप में शिरकत की और मीटिंग में विभिन्न पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि मीटिंग में एसोसिएशन की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और मंडी जिला से सराज विधायक जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर एसोसिएशन ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के बल पर हिमाचल व जिला मंडी के विकास को नई गति प्रदान करेंगे। रेवती राम शर्मा ने कहा कि मीटिंग में चर्चा की गई कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मंडी अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेंगे। आज हमारी मासिक बैठक सीनियर सिटीजन भवन जे रोड में हुई जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने भाग लिया और उसी के साथ साथ हमारे जिला के प्रधान श्री हरीश शर्मा जी और जिला की कार्यकारिणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने भी भाग लिया। बैठक में सर्वप्रथम मंडी जिला के लिए 70 वर्ष के अंतराल के बाद जो मुख्यमंत्री का पद श्री जयराम ठाकुर जी को मिला है उसकी हर सब ने बधाई दी और पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने भगवान से प्रार्थना की कि वो इस पद की गरिमा को जो है बनाए रखें और मंडी जिला का जो है मंडी जिला का पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है वो उनके नेतृत्व में पूर्ण विकास हो। इसके साथ ही साथ हमारे जो पेंशनर थे ये भी मांग उठी कि मुख्यमंत्री महोदय से मिला जाए और जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जैसे 5-10-15% है और रिम्बर्समेंट के जो पेंडिंग बिल्स हैं और बाकी जो हमारा ये जो इसका जो हमारे पेंशनर हैं उनके लिए ये जो मूल पेंशन में उसको मिलाने की बात है तो इस तरह से जितनी भी डिमांड्स हैं इसके लिए जो है मुख्यमंत्री से मिला जाए तो बाकी सब ने ये हर्ष होकर के मुख्यमंत्री को जो है पूर्ण रूप से उन्होंने बधाई दी। मंडी स्थित पड्डल मैदान में नामधारी स्पोर्ट्स क्लब मंडी के द्वारा 12वीं शिबा कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब मंडी के महासचिव राजेंद्र पाल सिंह राजा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग गांव की 30 टीमें भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि आज प्रतियोगिता के 2 मैच खेले गए। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब मंडी के महासचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि नामधारी स्पोर्ट्स क्लब मंडी के द्वारा 12वीं शिवा कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में जिला भर के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 30 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकें व समाज में अपना योगदान कर सकें।
उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 16 जनवरी को खेला जाएगा। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित 5वां सेवा कप आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। इस प्रतियोगिता में 30 टीमें भाग ले रही हैं। इस जो टूर्नामेंट करवाने का हमारा मकसद है, जो ग्रामीण जो टीमें रह जाती हैं बड़े टूर्नामेंट खेलने से, उनके लिए हम ये स्पेशल टूर्नामेंट करवाते हैं और इस प्रतियोगिता में मैक्सिमम ग्राम की टीमें खेल रही हैं। आज जो है इसमें 3 मैच खेले जा रहे हैं और इसका जो फाइनल है वो 16 तारीख को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भक्तों चलो एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलान शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। गांव डीप के जंगल में करीबन 10 लोग शिकार पर निकले थे। शिकार करने के दौरान 10 लोग जंगल में अलग अलग टोलियों में शिकार की घात लगाए बैठे थे, तभी एक शिकारी ने गोली चलाई और वह गोली शिकार कर रहे अन्य शिकारी की पीठ पर चीरती हुई छाती से आर पार हो गई, जिसकी वजह से शिकारी की मौके पर मौत हो गई। घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि करीबन 10 लोगों की टोली शिकार पर निकली थी, जिसके एक शिकारी द्वारा दागी गई गोली से शिकार पर निकले अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। फिलहाल शव को कब्जे में लिया है और शिमला IGMC पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस स्टेशन कसौली में इवनिंग में एक इत्तला प्राप्त हुई, क्षेत्र के अंदर चयाली फॉरेस्ट में कहीं पे गनशॉट फायर हुआ है जिसमें एक व्यक्ति एक्सपायर हो गए हैं। तुरंत पुलिस की टीम अंडर SHO मौके पे गई। श्री लच्छी राम जो लोकल निवासी थे, उनको एक एक्सीडेंटल फायर हुआ, उन्हीं के कोई जो ग्रुप के साथ सो कॉल्ड हंटिंग के लिए गए थे एंड ही एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट। पुलिस ने तुरंत साक्ष्य इकट्ठे करते हुए 304A IPC और 25 Arms Act में FIR दे दी है। इनकी आज IGMC में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, क्योंकि वेपन्स सेल्फ प्रोटेक्शन या क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इशू किए जाते हैं। अगर ऐसी कोई घटना है जिसमें हंटिंग के लिए यूज हो रही है, दैट इज इलीगल एंड पुलिस विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोस डिफॉल्टर्स। मेरे को जो है शाम को सात बजे के करीब करीब पता चला कि आपके भाई साहब को गोली मार दी गई है। तो जब मैं वहाँ मौके पे गया उनके बेटे को लेके, तो वहाँ कोई भी आदमी जो जिसने गोली मारी थी वो भाग चुका था, और मेरे गांव के 2 आदमी थे जिन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की और हमारा किसी के साथ ऐसा लड़ाई झगड़े का कोई नहीं। गोली जो है पीछे से मारी गई थी और उसके उनके गर्दन के साथ वाले हिस्से में लगी थी और दूसरे आगे निकल चुकी थी। आगे निकल के छर्रे उनके शर्ट में ही फंसे हुए थे। जंगल भी वही है, साथ ही गाँव डीब का ही जंगल है। 10-12 आदमी थे, शिकार खेलने गए हुए थे। मेरा ख्याल जो है पहले बीमार होने के बाद जाते नहीं थे, अब पता नहीं कल कैसे क्या हुआ इनको जो गए हुए थे, नहीं जाते थे। गौरतलब है कि हिमाचल में शिकार पर पूरी तरह से मनाही है, लेकिन लोग फिर भी शौकीय तौर पर शिकार करने जाते रहते हैं और थोड़ी सी चूक होने से कई बार शिकारी ही शिकार हो जाता है। यह नहीं कि इस क्षेत्र में यह इस तरह की यह पहली घटना है, इससे पहले भी कई शिकारी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इन घटनाओं से कोई सीख नहीं लेते और अपनी जान जोखिम में डालते रहते हैं। जरूरत है कि इन घटनाओं से सीख ले और कानून और नियमों की पालना करते हुए अपने अमूल्य जीवन की रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला कुल्लू में बेसहारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उपायुक्त यूनुस ने बताया कि जिला के कुछ गौ सदनों में लाए गए कई पशुओं में पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए टैटू पाए गए हैं। इन टैटू के आधार पर उक्त पशुओं के मालिकों का पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कुल्लू में बेसहारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। हालांकि अभी तक बेसहारा छोड़े पशुओं के मालिकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब प्रशासन के हरकत में आते ही लोगों को उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में कुल्लू शहर में बेसहारा पशु दिखाई नहीं देंगे। पहले प्रशासन, नगर पंचायत व ग्राम पंचायत इन पशुओं के प्रति लापरवाह रहते थे। स्थानीय व्यापारियों व कस्बे के लोगों ने प्रशासन से लावारिस पशुओं को पकड़ने और उन्हें गौशाला में छोड़ने की मांग की थी। इस बारे में उपायुक्त ने कुल्लू जिला में चलाए जा रहे विभिन्न गौशदनों के संचालकों से अपील की है कि वे इन गौशदनों को राज्य गोवंश संवर्धन बोर्ड से पंजीकृत करवाए। पंजीकरण के बाद इन गौशदनों को बोर्ड की ओर से आर्थिक मदद व अन्य सुविधाएं मिल सकती है। बचत भवन में गौशदनों के संचालकों व विभिन्न संस्थाओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कुल्लू जिला में 8 गौशदन चलाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2-2 गौशदनों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। सभी SDM को अपने अपने क्षेत्रों में गौशदनों के लिए जमीन का चयन करने के आदेश दिए गए हैं। पहले से ही चल रहे 8 गौशदनों के लिए जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। हम अपने जो एडजॉइनिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट है मंडी जिला, उनके अधिकारियों का भी हम बोल रहे हैं, परंतु हमारे जुरिस्डिक्शन में हमारे जो अधिकार क्षेत्र है उसमें किसी भी तरह का कोई आवारा बेसहारा पशु, खासकर मैं बोलूँगा स्ट्रे कैटल ना रहे, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द हम शिफ्ट करवाएंगे। और मंडी जिला के अधिकारी को भी हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका व्यापक प्रबंध करें। वही उपायुक्त ने बताया कि टोभी के गौशदन के लिए अति शीघ्र धनराशि जारी की जाएगी। बंजार के गांव चनौन और आनी के गांव कुंगस में भी गौशदन के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जिला के सभी पशुओं की माइक्रोचिपिंग की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश भी दिए। जिला में सभी बेसहारा पशुओं को तुरंत गौशदनों तक पहुंचाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 70180-64013 आरंभ किया गया है। इस नंबर पर बेसहारा पशुओं की सूचना दी जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि जिला में व्यवस्थित ढंग से गौशदनों के संचालन तथा बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जिला स्तर पर सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स को सुदृढ़ किया जाएगा। वैसे मेरे ध्यान में आपने अभी ये मामला लाया है, परंतु आपके सामने ही मैंने इस अननोन नंबर समझ के उन्होंने मेरा नंबर उठाया है, अटेंड किया उन्होंने फोन, और उनको नहीं पता कि ये डिप्टी कमिश्नर कॉल कर रहा है, परंतु ये बोल रहे हैं कि वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड मेंटेन कर रहे हैं। मैंने कंसर्न विभाग को, एनिमल हस्बेंड्री विभाग को डायरेक्शन दी है कि इसको टाइमली अटेंड करें, और इसका हम रजिस्टर है वो भी मेंटेन कर रहे हैं। कुछ रोज़ के बाद, मतलब 2 दिन के गैप के बाद, इन जितनी भी कंप्लेंट दर्ज हुई हैं या कितने भी कॉल्स आए हैं मैं खुद चेक करूँगा, इस चीज़ को पर्सनली देखूँगा। हमारा ये, मैं सभी से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ, हमारे सड़कों पे जितने भी बेसहारा पशु हैं उनको शिफ्ट करवाने के लिए, ताकि नियरेस्ट आसपास के नज़दीक के गौसदन में पहुँचाने के लिए, आप सबसे अनुरोध है कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है जिसका नंबर है 7018064013 7018064013। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और अपने आस निकटतम जो भी लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी बताएं। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं ज़रूर अनुरोध करूंगा कि अपने जो पशु हैं उनको बेसहारा बना के ना छोड़ें। उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को इस सोसाइटी के बैंक खाता नंबर को चालू करने के निर्देश दिए, ताकि गौशदनों के लिए आम लोग भी आर्थिक योगदान दे सके। उपायुक्त ने कहा कि इस संबंध में 10 दिन के भीतर एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। उन्होंने NIC के अधिकारियों को इस वेबसाइट को तुरंत तैयार करने तथा इसे जिला की आधिकारिक वेबसाइट से लिंक करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी बनी है, उनके द्वारा एक मंत्रिमंडल की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि जो और पशु हैं उन पर प्रशासन के साथ मिलकर आवारा पशुओं की जो समस्या है उसके बारे में संज्ञान लेंगे। और साथ में, जैसा कि संकेत दे दिए गए हैं कि हर ब्लॉक में एक एक गौ सदन बनेगा,
और उसके साथ मैं हम जो भी जनता जो खासकर आवारा कुत्तों की जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एबीसी प्रोग्राम है सरकार का एनिमल बर्थ कंट्रोल, उसके अंतर्गत भी इनकी जनसंख्या पर अंकुश लगना जरूरी है। कुल्लू से कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कंडाघाट के तुंदल में पेड़ से लटका हुआ एक शव बरामद होने से दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रथम दृष्टि में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन शव की पहचान न होने के कारण पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला के अनुसार तुंदल पंचायत के कलहोग गांव के नजदीक खड के पास एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ लोगों ने देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर शव की पहचान करने के लिए उसकी जेब की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को उसमें कुछ नहीं मिला। आसपास के लोग भी इस शव की पहचान नहीं कर पाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। एक इत्तला कंडाघाट थाना में आई, जिसमें बताया गया कि कल्लूग नाम की जगह है, वहाँ पे किसी युवक ने फंदा लगाया हुआ है, उनकी बॉडी हैंग कर रही है। तुरंत SHO उनकी टीम के साथ पहुंची, उसके बाद गजशील ऑफिसर DSP साहब एंड एडिशनल SP भी मौके पे पहुंचे। उनकी आइडेंटिफाई बॉडी को नहीं कुछ पता चल रहा था, आइडेंटिफिकेशन वॉज नॉट पॉसिबल। उनका एक मोबाइल रिकवर हुआ, उसके बाद इवनिंग में जब मोबाइल से पता चला तो प्रकाश नाम के व्यक्ति हैं और नेपाल की तरफ से हैं। लोकल जो रेफरेंस रामपुर की तरफ से आए थे 3-4 दिन पहले। अब आत्महत्या क्या क्या कारण रहा है, व्हाट आर द इश्यूज, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के संक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अभी तक CM साहब सुनने की नहीं पड़ी है आदत, कभी दूसरों के लिए किया करते थे इस शब्द का इस्तेमाल। शीतकालीन सत्र में हमीरपुर विधानसभा की समस्याओं को भी रखा जाएगा प्रमुख रूप से। हमीरपुर से रवाना होने से पहले बोले भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर। जिला कुल्लू में बेसहारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों पर प्रशासन करेगा सख्त कार्यवाही। टैटू के आधार पर उक्त पशुओं के मालिकों का पता करके उनके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्यवाही। और ठियोग में हुए बुढ़िया कांड के बाद पुलिस कार्यप्रणाली से उठता जा रहा लोगों का विश्वास, लोग पुलिस को थोड़ी सी लापरवाही को अब झेलने को नहीं है तैयार।